बोलिए श्री राम जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री जयमलदास जी महाराज की जय, श्री हरि रामदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दयालदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य मुनि सब संत नमोय, हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोय, सद्गुरु से ती विनती परब्रह्म सो परणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम, नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद, मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे रामदास दोनों पखां, सब विधि पूरण काम। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी श्री राम जी महाराज को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज बाबजी महाराज खेड़ापा महाराज श्री के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए इस दिव्य पुनीत महापुरुषों की साधना स्थली तपस्थली रामस्नेही संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा की पावन धराधाम को कोटि सहवार दंडवत प्रणाम करते हुए एवं आप समस्त समस्त संत महात्माओं का हार्दिक अभिनंदन चरणों में वंदन एवं घर बैठे नित्य प्रति महापुरुषों के दिव्य धाम की विभिन्न ऐतिहासिक दर्शन पृष्ठभूमि का लाभ लेते हुए आप सभी सत्संग का लाभ लेने वाले लाभार्थी गण भक्तगण आपका हार्दिक अभिनंदन, सबको सप्रेम राम जी राम। जब भी राम जी राम किया जाता है तो पुनः राम जी राम का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस विषय में बहुत अच्छी बात बताई है कि जो कोई हमें किसी प्रकार का संबोधन करे उस किसी प्रकार का सात्विक संबोधन, जय गोपाल जी की, जय ठाकुर जी की, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, अथवा जो भी यह भगवान नाम सहित जो कोई नाम लेवे तो हमें भी उन नाम का उच्चारण करते हुए श्री दयाल जी महाराज और रामदास जी महाराज के जीवन वृत्त में एक जगह का वर्णन आया कि महाराज श्री उस स्थिति में जब देश निकाला हुआ था, जब मैं अपने यहाँ पर आपको एक दिन उदाहरण बताया पूरा यहाँ का जो दृष्टांत बताया जो घटना घटित हुई वो आपको बताई, तो उसी दौरान महाराज श्री मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित करेड़े गांव में पधारे। तो करेड़े गांव के ठाकुर साहब का नाम था गोपाल दास जी। आप बड़े आश्चर्य करेंगे कि ठाकुर और दास ये कैसे मुमकिन है, लेकिन उनका नाम था गोपाल दास। और दास क्यों था कि वो संतों के दास थे। वो जब श्री जी महाराज के विषय में सुना तो उनको आदरपूर्वक दयाल जी महाराज को अपने सभागार में अपने सभासदों के सामने बुलाया, तब उन्होंने जय गोपाल जी कहा, तो पूज्य श्री महाराज श्री ने भी पुनः अपना राम जी राम राम महाराज का उद्बोधन दिया, फिर जय गोपाल जी भी कहा, क्योंकि हमें उसके भाव को देखना, उनके भावों को देखना है, भावना अनुरूप हम लोगों को भी जो है सफलता बने उसके भाव की उसका विचार करना चाहिए। तो विशेष रूप से आज आप लोग विचार करते होंगे कि आज कोई दर्शन नहीं करवा रहे हैं, आज किसी धाम के ऐतिहासिक दिव्य
जहाँ भजन साधना स्थित उसका दर्शन नहीं करवा रहे। तो भाई अब 15 दिन हो गए लगातार दर्शन किए जा रहे हैं, और कितने दर्शन करोगे? अब उन दर्शनों को अपने हृदय में बिठाओ, स्मरण करो उन सारी बातों का, स्मरण करो उन महापुरुषों के दिव्य जीवन चरित्र का। कैसा महापुरुषों का दिव्य अलौकिक जीवन चरित्र रहा है, कैसे उन महापुरुषों के दिव्य जीवन चरित्र से प्रभावित होकर के, और अनंत कोटि महापुरुषों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक संतों ने उनके चरणों की जो है जो स्थली प्राप्त करी, उनका शरणागति प्राप्त करी, ऐसे अनेकों उदाहरण हमने परची जी के अंतर्गत भी पढ़े, ऐसे अनेकों उदाहरण हम अन्य इतर और भी संतों के द्वारा श्रवण करते हैं। आज एक आपको इतिहास सुनाएंगे जो परची जी में वर्णन है। देवपुरी को देवादासा वर्णी सुनाऊ सो इतिहास। एक देवपुरी नाम के, पहले तो जन्म से तो वैश्य थे, परंतु दशनामी परंपरा में जुड़ने के कारण वो पुरी हो गए, और देव से संबंधित उनका कोई नाम था लेकिन उनके नाम के आगे देवपुरी हो गया। अब उन्होंने अनेक प्रकार की साधना करी, वो साधनाएं करी सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो उनको सिद्धियों की प्राप्ति भी हुई, और उन साधना करते करते उन्होंने भैरव की साधना करी। भैरव की साधना में भी ये इस तरह की जो साधनाएं हैं इनमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इनमें बहुत प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता, अन्यथा न जाने कब वो रूठ जाए। इसलिए संतों ने वाणी में कहा है देव रूठ जाते हैं, और प्रकार की प्रकृति की जो ये इस तरह की जो है पूजा पद्धतियों के जो देव होते हैं वो रूठ जाते हैं, लेकिन राम जी इतने विनम्र होते हैं, राम जी ऐसे कृपालु होते हैं कि जैसे बालक कोई अपराध कर दे तो भी माँ रूठती नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा जो है एक तरह से चमकाने के लिए, डराने के लिए थोड़ा सा रूठने का अभिनय करती है। ऐसे ही राम जी मात्र रूठने का अभिनय करते हैं, लेकिन वो देव कोटि के जो होते हैं वो रूठ से जाते हैं। तो उन्होंने भी देवपुरी जी ने भी भैरव की उपासना करी। देखो हम किसी आस्था के प्रति, किसी श्रद्धा के प्रति आघात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ की जो घटना घटित हुई उसके विषय में हम आपको बात बताते हैं। आपने जब आपने सुना होगा भैरव भी दो स्वरूप के होते हैं, एक काले भैरव एक गोरे भैरव। कई उपासना करने वाले जानते हैं काले भैरव और गोरे भैरव। श्री दयाल जी महाराज ने परचिन जी में वर्णन किया है कालो गोरो क्षेत्र पालो। भैरव जी को क्षेत्रपाल की उपाधि दी गई है, जैसे महाकालेश्वर भगवान, विश्वनाथ भगवान, काशी के विश्वनाथ भगवान, वहाँ पर काल भैरव विश्वनाथ पुरी के क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं, ऐसे ही भैरव जी को क्षेत्रपाल की उपाधि दी गई, क्षेत्रपाल है वो। तो एक दिन उसकी पूजा पद्धति में एक भैरव की विशिष्ट आराधना हो गई, दूसरे भैरव रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। तो दूसरे भैरव ने नाराज होकर के और उनको महाराज अपने प्रभाव से पागल बना दिया, उनको चक्रित कर दिया। एक वर्ण है, एक शब्द है चक्रित, चक्रित हो गए। तो पागल से हो गए, ऐसी स्थिति हो गई कि सिद्ध बने हुए लोगों के कोई कहने पर भैरव जी को प्रकट करके और अपना कार्य संपादित कर देते, उन लोगों का दुख दूर कर देते अथवा उनको चमत्कार दिखा देते। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई कि वो अपने ही तन को स्वयं खा रहे हैं, अपने ही स्वयं के तन को दांतों से काट काट करके खा रहे हैं। भाई अपने को कोई काटेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो तो मूर्ख ही, वो पागल ही कहलाएगा। ऐसे करते करते भैरव चूस लियो तन सारो, उन काला और गोरा भैरव ने जो रुष्ट हो गए थे उन्होंने उसके तन को चूस लिया, माने उसका सारा खून एक तरह से और शरीर ऐसा कृशकाय हो गया। और इधर उधर जब गाँव में जावे तो खुद का ही शरीर खुद खावे, खुद का ही जो है शरीर पे अपने दांतों पे ही जो है काटे उनको, तो लोग बोले अरे ये तो पागल हो गया है। फिर कोई दिखे तो पत्थर लेकर के दौड़े, तब लोगों ने कहा अरे ये तो पागल हो गया, भगा दिया गाँव गाँव से। ऐसे करते करते वह पीपाड़ आए, पीपाड़ सिटी आए तो वहाँ पर महाराज लोग उसको देख करके डरने लगे, बोले ये पागल कहाँ से आ गया।
ऐसे करते करते वह स्थिति में वहां पर उसी बाजार की किसी गलियों में गिर के पड़ गया। स्थिति तो खराब थी, उसी समय में एक दयालु प्रवृत्ति के संत महात्मा जो श्री रामदास जी महाराज के शिष्य थे, उन श्री रामदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त थे, इस पद्धति को अपनाए हुए थे, रामस ने ही पद्धति को अपनाए हुए थे। संत तो हृदय से बड़े दयालु होते ही है, शास्त्रों में भी कहा गया है साधवो दीन वत्सल, संत होते हैं वे दीनों पर और बेचारे ऐसे प्राणी मलिन प्राणियों पर दया करने वाले होते हैं, इसलिए उन संतों को बड़ी दया आई और दया से वशीभूत होकर के उन संतों ने उस प्राणी को देख करके अपने कमंडल में जो जल था, गुरु महाराज के चरणों का चरणामृत सा था, वह उस देवपुरी के ऊपर छिड़का। संतों के चरणों का दिव्य जल छिड़कते ही संतों के कर का स्पर्श करके वो जल छिड़का गया तो उनको शांति हुई और वो तत्काल बैठे और बैठ करके प्रणाम हुआ और प्रणाम करने लगे। संतों ने पूछा, भाई आपको ये कष्ट किस बात का है, आप ऐसे क्यों हो, क्या नाम है आपका? उसने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे मैं उपासना करता था, फिर ऐसे वो मेरे पे रुष्ट हो गए, अब मैं क्या करूं महाराज, आप संत हैं, कृपा करके और मेरे दुख का निवारण करें। तब रूपदास जी नाम था शायद, जहाँ तक मुझे इतना स्मरण नहीं रहा, लेकिन अगर आपने पर्ची जी पढ़ा और अन्य नाम हो तो वो संत थे, इसलिए मैंने उनको यही कहा है कि वो इस खेड़ापा परंपरा से जुड़े हुए संत थे। दया करके उन संतों ने कहा, कुछ भी मत करो, एक ही उपाय करो, क्या? यहाँ से तुम राम राम का स्मरण करते हुए खेड़ापा धाम चले जाओ। खेड़ापा धाम चले जाओगे तो वहाँ खेड़ापा में मेरे पूज्य गुरु महाराज श्री जी महाराज श्री रामदास जी महाराज, जिनका दर्शन करने मात्र से तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी। अरे खेड़ापा नहीं, खेड़ापा की सीमा पर पहुंच जाओगे, मर्यादा सीमा पर पहुंच जाओगे तब भी तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। उसको ये बात लगी, क्योंकि जो भयंकर बीमारी से ग्रसित होता है ना, उसको कोई औषधि का उपाय बतावे तो क्यों नहीं करे भला, वह चाहता है कि मैं स्वस्थ हूँ। इसलिए उसी समय में राम 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 का उच्चारण करते हुए राम राम करते हिम्मत आई, संबल आया। और ये तो मैंने भी अनुभव किया है कि राम राम करने से एक भीतर की शक्ति जागृत होती है। जैसे बचपन में हम छोटे थे, कहीं स्थान में रहते थे तो वहाँ पर हमें रात्रि समय में 9-10 बजे जल, गोविंद जल लेकर के आओ, तो जल लेने के लिए भेजते तो हमें बड़ा भय लगता था, दूर था वो जलाशय, स्थान दूर था, तो हम चलते चलते राम 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 राम, नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के बंद विघ्नहरण मंगलकरण रामदास आनंद साखी का उच्चारण करते तो भय दूर हो जाता, ऐसा लगता है जैसे उस साखी का नाम का बल हमारे साथ में। ऐसे ही देवपुरी ने यह प्रयत्न किया और नाम स्मरण करते हुए, खेड़ापा कभी गए हुए नहीं थे, खेड़ापा कभी आए हुए नहीं थे, लेकिन संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए खेड़ापा की तरफ मुख करके, पश्चिम की तरफ मुख करके रवाना हो गए वहाँ से। और ज्यों ही खेड़ापा धाम की सीमा के पास में पहुंचने लगे, भैरव प्रत्यक्ष प्रकट हुए। कालो गोरो क्षेत्र पालो दूर कहे ये मति कह साला, ऐसे वाणी में वर्णन आया, दूर से डरा रहे हैं, अरे बेईमान ये नाम मत ले और तू जिस रास्ते जा रहा है वो रास्ते मत जा। लेकिन अब तो उन जो है देवपुरी जी को इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि जब ये मुझे रोक रहे हैं इसका मतलब इस नाम में शक्ति है, इसका मतलब इस मार्ग में जाने में शक्ति है। राम 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 और तेज बढ़ा दिया। उन्होंने विचार किया कि भेद दंड नीति नहीं चली तो उन्होंने साम नीति अपनाई, उन्होंने दाम नीति अपनाई। नीतियां चार होती है, साम दाम दंड और भेद, तो उन्होंने साम और दाम नीतियां अपनाई। बोले अरे देवपुरी, अब तुम हमारा कभी भी स्मरण करोगे तो हम प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, अब जब जो तुम चाहोगे वो तुम हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम उधर मत जाओ, तुम ये मत बोलो, ये उच्चारण मत करो। तो आपको पता है कि कौन ऐसा मूड होगा जब इतनी बात पता चल जावे। राम जी के नाम के प्रति इतनी निष्ठा बढ़ी, निरंतर सतत राम जप करते हुए खेड़ापा धाम की तरफ प्रस्थान कर गए। बीच में जल भोजन कुछ भी इच्छा नहीं हुई, एक ही प्यास, एक ही भूख, कब जाऊं
कब दर्शन पाऊं, वाणी में वर्णन है कब जाऊं कब दर्शन पाऊं। ऐसे करते 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 महाराज श्री राम धाम की सीमा खेड़ापा की गांव की सीमा में, यहाँ लिखा है मरजाद सीम नहीं पाँव धार, हिड़कियों तन मिर्गी अबुद होई, फियो लिप बहुविधि रोग कोई, नर नारी पशु जो शरण आए, जल पिया त्रिषा जीव रोग जाए। ऐसे दिव्य महापुरुषों के धाम में जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जिसका कंठ सूख रहा हो और उसको कोई ठंडे जल का बढ़िया पात्र मिल जावे अथवा कोई सरोवर तालाब मिल जावे और वह जी भर के जल पिए प्यास बुझाए, उसी तरह संतों के धाम में आने पर वह जीव अपने आप को तृप्त महसूस करता है। देवपुरी जी आए राम मोहल्ले में, राम मोहल्ला मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ का राम चौक जो है उसको राम मोहल्ला कहते हैं, उसी राम मोहल्ले राम चौक राम धाम खेड़ापा में पाट पर श्री जी महाराज विराजमान थे। शिष्य मंडली भजन कर रही थी, अपने भजन का परिचय बता रही थी गुरु महाराज को। उसी समय में देवपुरी जी उस कृशकाय अवस्था में उस दीनहीन स्थिति में दंडवत प्रणाम करते करते आते आते महाराज जी के चरणों में लोटपोट हो गया। महाराज जी ने परिचय पूछा, बोले नाथ आप सब प्रकार के परिचय को जानने वाले, मैं अत्यंत दीन दुखी आपकी शरण में आया हूँ, मैंने देख ली सारी पूजा पद्धतियाँ, मैंने देख ली संसार की स्थितियाँ। महाराज संसार में लोग जब तक आपके पास में कोई न कोई चमत्कार है तब तक तो नमस्कार करते हैं, और जब चमत्कार खत्म हो जाता है, जब तक संसार में देखते हैं कि किसी के पास में धन होता है तब तक तो लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन गरीब का कोई सहायक नहीं। इसलिए नाथ हे गरीब वनवाज, मैं आपके चरणों में गरीब नवाज मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मेरे दुखों को दूर करें। श्री रामदास जी महाराज ने अपना वरद हस्त देवपुरी के सिर पर जो ही स्पर्श किया मानो जन्म जन्मांतरों की व्याधियां क्षण भर में दूर हो गई और महापुरुषों के दिव्य चरणों का उन्होंने लाभ प्राप्त किया। यहीं पर रहे और हमारे संतों की परंपरा है कि संतों की शरण में जो आ जावे दीक्षा प्राप्त कर लेवे तो उनके नाम भी बदल दिए जाते हैं। जैसे बालक का जन्म होने पर नामकरण होता है, ऐसे ही संतों के यहाँ दीक्षित होने पर संतों के यहाँ पर भी पुनः नया नामकरण होता है। तो इतने दिन तक तो देवपुरी नाम था, तो एक ये भी बात है कि नाम का पहला अक्षर वही रखते हैं, नाम का पहला अक्षर वही रखते हैं। जैसे मेरा नाम बचपन में गिरधारी था, अब कई लोग वापस बात करेंगे तब कहेंगे महाराज मुझे बचपन का नाम अब पता चला, जैसे मेरा नाम बचपन का गिरधारी था तो फिर यहाँ पर जब मुझे शिष्य बनाया गया और यहाँ पर समर्पित किया गया तो जब मेरा नाम रखा गया तो गिरधारी से गोविंद मेरा नाम रखा गया, लेकिन पहला नाम ग से ही था, पहला नाम ग से ही, पहला नाम कुंभ राशि से ही था। ऐसे ही देवपुरी जी का नाम बदल करके देवादास नाम हो गया कि अब आज से तुम्हारा नाम देवादास है। जैसे श्री रामदास जी महाराज का भी दीक्षा से पूर्व नाम था रामोजी, लेकिन दीक्षा के समय में जब श्री हरि रामदास जी महाराज ने दिव्य उपदेश प्रदान किया तो दीक्षा के पश्चात रामोजी नाम नहीं रहा, रामोजी नाम से नाम हो गया रामजुदासा, रामदास जी महाराज नाम हो गया। ऐसे देवपुरी को देवादासा, देवपुरी जी क्या हो गए, देवपुरी जी देवादास हो गए। आह देखो उनके कल्याण का साधन क्या बना, उनका कल्याण कैसे हुआ, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, थे तो अत्यंत अंत्यज बन गए थे, पामर दुखी थे, लेकिन संतों की शरण में आने के पश्चात श्री रामदास जी महाराज ने उनको वहाँ नियुक्त किया जो हर किसी को वह लाभ सुलभ मिलता नहीं है आराम से, ऐसी जगह उनको नियुक्त किया गया। आप सोचेंगे कहाँ नियुक्त किया गया, तो श्री देवादास जी महाराज को परम पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज की सेवा में नियुक्त किया गया। तो देवादास जी महाराज के दादा गुरु जी महाराज थे सिंथल के आदि आचार्य श्री 1008 श्री हरि रामदास जी महाराज, वे पूज्य श्री दादा गुरु महाराज थे और आपको यहाँ से उनकी सेवा के लिए लगभग सम्मत विक्रम सम्मत
1832-33 के समय में वहाँ पर सेवा के लिए भेज दिया गया और जीवन के अंतिम समय में श्री इन जो देवपुरी जी ने जो देवपुरी थे पहले देवादास जी ने हरिराम दास जी महाराज की सेवा करी और उस सेवा के प्रभाव से उनके अनुभव के कपाट खुल गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बातें हैं भाई। उन्होंने कहीं अध्ययन किया ना किया कोई आवश्यकता नहीं, कहीं उन्होंने किसी पाठशाला में जाकर के वर्णमालाएं पढ़ी हो अक्षर ज्ञान लिया हो कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई सबसे बड़ी बात हमारे संत महापुरुषों ने गुरु सेवा बताई है, गुरु सेवा के रामदास, गुरु महाराज की सेवा की, गुरु महिमा, गुरु सेवा, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। गुरु महाराज दादा गुरु जी महाराज की सेवा के प्रभाव से देवादास जी महाराज इतने विलक्षण प्रभाव से इतने विलक्षण दिव्य लाभ को प्राप्त हो गए कि उनका नाम हो गया। उनका नाम किस कारण से हुआ? सेवा के प्रभाव से हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण परची जी महाराज के भी अंतर्गत है। जब पीपाड़ का नाम आ ही गया तो पीपाड़ का एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। पीपाड़ में ही चिमनाबाड़ी रामद्वारा है और आज भी है वह स्थान। चिमनाबाड़ी रामद्वारा की स्थापना प्रारंभ से हुई। श्री रामदास जी महाराज की एक साध्वी शिष्या थी जिनका नाम भी अब देख लीजिए कितना बढ़िया संयोग है कि अभी जिनका मैंने परिचय बताया था बस वैसा ही नाम उनका था। उनका नाम था देवादास जी और इनका नाम साध्वी माता श्री का नाम था देवाबाई पीपाड़ में। और अभी जो पीपाड़ में उस स्थान में सेवा दे रहे हैं उनका नाम भी देवाराम जी। देखो कैसा संयोग है। तो देवाबाई की हम बात बताते हैं। साध्वी श्री देवाबाई जी अपने गुरु महाराज की निरंतर ध्यान में और उनके द्वारा बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए भजन करती थी। बताते हैं कि उनका नित्य नियम था प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भजन पूजा पाठ से निवृत्त होकर के समय पर प्रतिदिन गुरु महाराज को अपने यहाँ पर अपने उस स्थान में प्रसाद बना करके भोजन बना करके वहीं से भावपूर्वक भोग लगाने का उनका नियम था। अब देखो ये संतों के जीवन चरित्र में इतनी बढ़िया बात हमारे जीवन में उतारने के लिए मिलती है कि हमें भोजन बनाने के पश्चात भावपूर्वक भोग लगाना चाहिए। इस विषय में भी हम कर्माबाई जैसा उदाहरण आपको सुनाएंगे लेकिन प्रायः करके वो सुना हुआ इसलिए ये नई बात हम आपको सुनाते हैं। देवाबाई जी ने आज किसी कारणवशात उस दिन की बात है जब ये घटना दिव्य घटित हुई उनके जीवन में, आज उनको कुछ कार्यवशात समय अधिक लग गया, भोजन बनाने में अब उनके पास में बहुत कम समय था, उस समय पर भोग लगाना नियम था। तो विचार किया कि अब क्या करूं मैं। इसी उपापो में उन्होंने सोगरा बना दिया और तत्पश्चात साग अमनिया करने का आदि का समय नहीं था, तब उन्होंने चटनी लाल मिर्च की, सूखी लाल मिर्च की चटनी बनाई, सिलाड़ी पर बाटी। सिलाड़ी एक पत्थर होता है, उसको घोटने का एक ऊपर से अलग से पत्थर होता है, उसके ऊपर मिर्च बाटी, नमक डाला, सोगरे पर रखा और देवाबाई जी महाराज ने अपने गुरु महाराज दयाल जी महाराज को भोग लगा दिया। उसी समय दयाल जी महाराज निज मंदिर के आगे गादी पर विराजमान थे और उधर देवाबाई जी ने भोग लगा दिया। कहा हे गुरु महाराज आपको अर्पित है, आप प्रसाद पाओ, तत्पश्चात आपके पाए हुआ प्रसाद मैं भी प्राप्त करूं। इस भाव से उन्होंने सत्पुरुषारे भोग लागे ऐसे भोग लगाया। इधर श्री दयाल जी महाराज मंदिर आगे विराजमान थे और अकस्मात शिष्यों को कहने लगा, रे भाई कोई मिश्री लेकर के आओ, जल्दी से मिश्री लेकर के आओ, बड़ा मुंह जल रहा है। चेलों ने कहा महाराज बैठे बैठे कैसे मुंह जल रहा है, आप हमें क्षमा करें। लेकिन मन में विचार आ गया प्रश्न पूछने का कि आप तो गादी पर विराजमान हैं, ऐसी कोई वस्तु भी आपने अरोगी नहीं है, कोई मिर्च आदि भी अरोगी नहीं है कि आपको आपका मुंह जले, कि पहले तुम मिश्री लेकर के आओ फिर बात पूछनी करते हैं। मिश्री महाराज जी ने अरोगी, देखो ये नहीं कि इतने भजनानंदी महापुरुष एक मिर्ची के कारण आपको, ये अपने शिष्य के भजन का प्रभाव अथवा उनके भाव का प्रभाव बताना चाहते थे इसलिए ये घटना हुई। तब सबने पूछा महाराज जी क्या कारण था। बोले मेरी एक भोली सी शिष्या है पीपाड़ में देवा,
में मिर्ची का ही भोग लगा दिया और मिर्ची भी बड़ी तेज भाई मारवाड़ की, और उस तेज मिर्ची का प्रभाव सीधा जीभ पर पड़ा और मुझे जो जोरदार जीभ पर जलन हुई, इसलिए भाई उस देवा ने आज ये भोग लगा दिया। बड़े आश्चर्यचकित हुए संत। संतों ने कहा कहाँ देवा भाई ने भोग लगाया, कहाँ दयाल जी महाराज गुरु महाराज विराजमान है, लेकिन भाव का अंतरंग भाव का जो संबंध है, भाव का जो विलक्षण अलौकिक संबंध है, वह बहुत अद्भुत संबंध है। हमने संतों की वाणी में भी श्रवण किया, दूर बैठे रह करके भी गुरु चरणों का स्मरण संतों की वाणी में आता है। पूज्य श्री हरिराम दास जी महाराज ने श्री रामदास जी महाराज को दीक्षा प्रदान करी, तब इनको भजन करने के लिए स्थान बताया, तब श्री हरिराम दास जी महाराज ने कहा कि जैसे सैन जी महाराज बांधुगढ़ में और श्री पीपाजी महाराज अपने गढ़ में रह करके, अपने उस गढ़ गागरौन में रह करके भी उन्होंने अपने गुरु महाराज के शब्दों का पालन कर लिया, उसी तरह से शरीर की अवस्था से तो कहीं भी रहें लेकिन भावनात्मक जो जुड़ाव है, भाव का जो जुड़ाव है, वह जुड़ाव अत्यंत ही पवित्र, अत्यंत ही दिव्य। सगुण शास्त्र में विशेष भागवत की हम बात बता देते हैं तो उसमें भी वर्णन आता है कि जब वसुदेव जी महाराज ने सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञोत्सव रखा, प्रायः करके लोग सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र जाते हैं, तो वहाँ सभी ऋषिगण पधारे, कौरव भी आए, पांडव भी आए, और तो और जो है साथ में बताते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े राजागण भी आए, और तो विलक्षण बात गोपियाँ भी आई, नंद बाबा भी आए, सब लोग वहाँ पर आए। और आज गोप मथुरा वृंदावन से पधारने के पश्चात नेत्रों से भगवान का दर्शन गोपियों ने आज पुनः किया था। गोपियों के हृदय का भाव जागृत हुआ कि हम भगवान का दिव्य अलौकिक स्वरूप का स्पर्श करें, हम भगवान के चरणों में लिपट जाएं, ऐसा उनका भाव हुआ। लेकिन मर्यादा क्या कहती है कि बड़े बड़े लोग जब होते हैं उस समय में अगर ऐसी आपकी मन की स्थितियाँ बने तो भी मर्यादाएं हमें कहती है कि वहाँ पर उस प्रकार की मन की स्थितियों पर मर्यादा का एक लगाम होना चाहिए। गोपियों ने कहा कि अपना अलौकिक और दिव्य प्रेम है, परंतु इतने जनमानस के सामने अलौकिकता हर किसी के हृदय में बनी रहे ये कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए गोपियों ने परमात्मा का दिव्य जो अपना भाव, जिस भाव से भगवान से मिलना चाहती थी, उस भाव को उन्होंने सबके सामने पूरित कर दिया। कैसे? गोपियों ने नेत्रों के माध्यम से श्री कृष्ण का दर्शन किया और नेत्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य झांकीमय स्वरूप उन्होंने अपने हृदय में विराजमान कर लिया। देखिए आप कहेंगे तो इससे पहले क्या हृदय उनका भगवत स्वरूप से शून्य था क्या? नहीं, वह तत्काल समय में भगवान के दिव्य उस विग्रह का जो है भावनात्मक रूप से लाभ लेना चाहती थी। कितना बढ़िया तरीका है, हृदय में विराजमान करवा दिया, कर लिया, और हृदय में ही अपने आप को भाव स्वरूप में परमात्मा से मिल लिया, गाढ़ आलिंगन किया। ये कितना विलक्षण भगवत स्मृति, भगवत स्वरूप का दर्शन कितना विलक्षण है। इसलिए आप विचार करते हैं साहब, बहुत दिन हो गए हम तो गुरुधाम नहीं जा पाए, बहुत दिन हो गए हम तो खेड़ापा नहीं जा पाए, अब क्या करें, हम खेड़ापा जाएंगे, इतने दिनों से नहीं जा पाए, गुरु दर्शन नहीं हो पाया। अरे भले मानसों, विचार करें कि अगर आप यह विचार मात्र कर रहे हैं कि आपको दर्शन हो गया, आप वहाँ से खेड़ापा धाम के दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन का विचार करते ही आपके तत्काल दर्शन का भाव जागृत हो गया। भावग्राही जनार्दन, परमात्मा है कौन? परमात्मा भावग्राही है, भाव को ग्रहण करते हैं। कितने दूर तक हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर तो हमारी वो रक्षा गुरु महाराज कैसे करेंगे, लेकिन नहीं। एक उदाहरण आपको और बताता हूँ, मध्य प्रदेश का उदाहरण। मध्य प्रदेश में जो है चौथलाई करके गांव है, और चौथलाई गांव के गिरिजा प्रसाद करके एक भक्त है,
आज भी है, उनके साथ में घटना घटित हुई। वो पहले जब मैं कथाएं करता था तो उनका ये जो अलौकिक उनके साथ में घटना घटित हुई मैं वर्णन करता था, लेकिन पूर्ण जानकारी के अभाव में करता था। तब लोग कई बार कोई शंका भी कर लेते। तो मैं एक बार मध्य प्रदेश कथा करने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि गिरिजा प्रसाद जी आप बताओ, गिरिजा शंकर जी आप बताओ, नाम कितना बढ़िया, गिरिजा शंकर। गिरिजा तो पार्वती का नाम, शंकर तो शंकर है ही। तो मैंने कहा आप अपने साथ में जो दिव्य घटना घटी उसको बताओ। तब उन्होंने कहा कि मुझे अकस्मात ऐसे लगा जैसे मेरे देह में से कोई मुझे बांध करके खींच रहा है। तो ये स्थितियाँ जब सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, तब यही बात समझ में आती है कि जब शरीर में से प्राण खींचे जाते हैं तब यमराज जी के दूत आकर के शरीर से प्राण जीवात्मा खींचते हैं। तो यह स्थितियाँ उनके साथ में हुई और महाराज समझो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग गया मुझे उस पार्थिव शरीर में से देह में से खींच करके ले जा रहे हैं। तो मतलब एक तरह से उस सूक्ष्म जीवात्मा को ले गए। और फिर वो यात्रा बताते हैं कि ऐसे करते करते थोड़े ही समय में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हमने देखा। देखो ये बात हर किसी को ऐसे लगेगी कि जैसे कोई ये बात कोई पुराने समय में ऐसा होता था, शास्त्रों में हमने ऐसा सुना है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे लगता होगा, लेकिन सच्ची घटना है। उन्होंने वर्णन किया कि मैं ऐसी जगह गया वहाँ पर एक बड़े से सिंहासन पर एक राजा समान कोई बैठे थे, बहुत दुखी जीव वहाँ पर त्राही त्राही कर रहे थे। ऐसी वहाँ पर स्थितियाँ देखी तो प्रायः मैं समझ गया कि नरक की स्थितियाँ हैं। ये सुना इधर उधर तो ये नरक ही है, और उस सिंहासन पर आरूढ़ कोई बैठे हैं तो ये यमराज हैं, चित्रगुप्त आदि भी हैं, सब वो स्थितियाँ उन्होंने देखी। मानो कोई बारी लगी हुई हो, नंबर आ रहा हो, ऐसे लाइन लगा हुआ, ऐसे एक ऐसे परिचय किया जा रहा है, पाप पुण्य की चर्चाएं हो रही। इधर तो यमलोक में तो ये स्थिति होगी, इधर जब उनके शरीर प्रायः प्राण शून्य से हो गए तो घर में क्या स्थितियाँ रही होगी। डॉक्टर्स को बुलाए, जानकारों को बुलाए तो बोलते हैं उनके छाती को खूब दबाया गया, पंपिंग किया गया, जैसे किसी को ऐसा संदेह होता है तो हार्ट अटैक की स्थिति में पंपिंग करते हैं, छाती को ऐसे जोर से दबाते हैं डॉक्टर्स, बोले कहीं वो प्राण वापस संचारित हो जावे, प्राण की स्थिति रुकी हुई जो चल जावे। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी गिरिजा शंकर जी के प्राण वापस आने की स्थिति में दिखे नहीं, तो घर में शोक का माहौल छा गया। उधर यमलोक की बात बताते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बोले वहाँ पर मैंने सारी जब दुखमयी स्थितियाँ देखी और लोगों को प्राणियों को जीवों को त्राही त्राही करते देखा, तब मैंने वहाँ पर उस नरक लोक में मैंने मेरे पूज्य इष्ट देव श्री दयाल जी महाराज का स्मरण किया। और जो ही मैंने दयाल जी महाराज का स्मरण किया तत्काल मेरे सामने उस यमलोक में यमराज जी के सामने दयाल जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के और यमराज जी से बोलते हैं, यमराज जी यह जो जीव आपको दिखाई दे रहा है इसको आपके यमदूतों ने लेकर को आ गए, लेकिन ये सारी इसका जो है स्थितियां देखिए आप, सारे इसका जीवन क्रम देखिए आप, इसका जीवन अभी शेष है। और देखो भूल तो किससे नहीं होती, टेक्निकली भूल हो जाती है, वैसे वो भी भूल रही होगी उनसे, तो शीघ्रतापूर्वक जीवात्मा उस देह में जाए, अन्यथा उस देह का दाह संस्कार हो जाएगा, फिर ये जीवात्मा जाएगा कहाँ। तो वास्तव में उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी भारी भूल हुई। लगभग बोलते हैं ऐसा 3 घंटे तक मानो प्राण शून्य सा रहा, और तत्पश्चात जो ही वो प्रक्रिया श्री गुरु महाराज दयाल जी महाराज के प्रभाव से, दयाल जी महाराज की कृपा से उस नरक में भी दयाल जी महाराज सहायक बने और उस जीव को छुड़ा करके पुनः इस मृत्यु लोक में भेजा, जिनके संस्कार शेष थे उन गिरिजा शंकर जी को पुनः भेजा। तब यहाँ आकर के उन्होंने एकदम से उनको ये सारी स्मृति उनको यथावत बनी रही, आज भी वो बात बताते हैं, वो सारा स्मरण रहा कि कैसे क्या कहाँ मैं गया, कैसे ले गए मुझे। लेकिन उसके पश्चात दयाल जी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा जागृत हो गई। ये निश्चित बात है, श्रद्धा जागृति की बात है, श्रद्धा तो जगनी है। प्रायः करके सामान्य से किसी चमत्कार को देख करके लोग नमस्कार करने लग जाते हैं, ये तो बहुत विलक्षण उनको जीवन दान प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत ही विशिष्ट रूप से फिर तत्पश्चात निरंतर। और मेरा तो यही कहना है
कि अगर उसके बाद में ये वाणी का पाठ करना बंद कर देते हैं, अगर ये करुणा सागर का पाठ करना बंद कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी भूल और कुछ हो ही नहीं सकती। जिस जीवनदाता से जीवन मिला हो, जिन महापुरुषों की कृपा से हमें जीवन मिला हो, जो हमारे इस जीव के सहायक है, जिन्होंने ये नहीं देखा कि नरक कुंड में है और वहाँ पर भी प्रकट होकर के जीव के सच्चे सहायक बने, भी भूलना नहीं चाहिए। उनके द्वारा वर्णित, उनके द्वारा रचित दिख करते रहना चाहिए। श्री बाबजी महाराज, गुरु महाराज के द्वारा एक उदाहरण और सुना, यह तो एक दृष्टांत है। ये जो मैंने आपको दो पहले बातें बताई, तीन बातें बताई, ये तो बिल्कुल सत्य बातें हैं, लेकिन एक ये दृष्टांत रूप में हमने सुना कि एक संत थे, उनके पास में एक व्यक्ति जाता था और जाकर के नियम पूर्वक गालियां निकाल के आता था। यह नियम पूर्वक गाली निकाल करके आता था, उसका उसने नियम बना लिया। तो ऐसे करते करते उसके प्राण, जैसे अभी अभी आप बात बताइए, ऐसे यमदूत आए, प्राण लेकर के जा रहे थे। तब उस समय में उन यमदूतों ने कहा, देख तूने जिस बाबा जी को गालियां निकाली थी, उनका आश्रम आ गया, चल जाते जाते और गाली निकालनी तुझे, चल लेके चलते। आश्रम में ले गए और उन यमराज जी के दूतों ने उन बाबा जी से कहा, बाबा जी बहुत विशिष्ट साधना किए हुए महापुरुष थे, तो ये जीव दिखना, यमदूत दिख जाना, या उनको कोई उपदेश देना है, उनसे कोई चर्चा करना, ये स्वाभाविक सरल बात थी। तो यमदूतों ने कहा, बाबा जी ये देखिए, ये आपका निंदक, क्या बोले, ये आपको गालियां निकालने वाला आपका ये निंदक, इसको हम आज ले जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में, आपके इस प्रति क्या भाव है, क्या विचार है। तब बाबा जी ने कहा, खबरदार है, आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको। बोले, हम ले जा रहे हैं हम लोग, अब आप ले जाने वाले नहीं हो। क्यों, तुमने ही अपने मुंह से क्या कहा कि आपका है निंदक। मैंने आगे वाला शब्द नहीं सुना, मैंने तो एक ही बात सुनी, क्या सुना, यह आपका। जब आपने हमें कह दिया कि ये आपका है, तो अब ये मेरा है, अब तुम नहीं ले जा सकते, मेरा है। यमदूतों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता, नहीं अब ये मेरा है। अब मेरा कैसे है कि निंदा किया हुआ हो, चाहे मेरे से मेरा अपराध किया हो, कुछ भी हो, लेकिन यह मेरा है, मेरे से जुड़ गया, इसलिए अब इसको आप ले जाने के अधिकारी नहीं। यमराज जी के दूत उस जीव को नहीं ले जा सके, संतों की शरण में वह जीव आया और भगवत कृपा से भगवान के दिव्य धाम को उसने पाया। ये तो एक दृष्टांत है, हो सकता है कहीं कभी सच्ची घटनाएं महापुरुषों के द्वारा कहा गया दृष्टांत नहीं, वह तो एक सत्य ही चर्चा होती है। तो कितनी विशिष्ट बात है। आप ऐसे मत करना कि आप भी कोई गाली निकालना प्रारंभ कर दो, बोले संतों का ऐसा नियम लेकर के हम भी कोई न कोई तरीके से हम भी पार हो जाएं, हमारा भी मामला बिठा लें, ऐसे नहीं होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो संतों का बन जावे, जिसको संत अपना बना लेवे, बस उसका जीवन मंगल में आनंदित हो जाता है। सत्संग चर्चाएं चलती तो मैं एक विशिष्ट बात विशेष रूप से कहता हूँ कि सबसे बढ़िया व्यक्ति का परिचय क्या है, व्यक्ति का सबसे अच्छा परिचय क्या है, क्या उसका परिचय किसी जाति में जन्म लिया वो उसका विशेष परिचय है, क्या किसी उच्च वर्ण में जन्म लिया उसका कोई विशेष परिचय है, क्या उसके पास में ज़्यादा धन है। वर्तमान में तो यही दिखता है, जिसके पास में ज़्यादा धन है, संपन्नता है, वही विशेष विशेष व्यक्ति समझा जाता है। लेकिन उसका विशेष परिचय क्या वह है, वह होता तो बड़े बड़े धनाढ्य आज तक क्यों नहीं रहे, अगर जाति वर्ण का होता तो जाति वर्ण आज तक क्यों नहीं रही, तो क्या विशेषता है उसके साथ में, क्या ऐसा संबोधन जुड़े, क्या उसके साथ में विशेषण जुड़े, क्या उसके नाम के साथ में जुड़े जिससे उसकी विशेषता बढ़ जावे। तो मैंने सत्संगों में कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के साथ में यह शब्द जुड़ जावे कि यह सत्संगी है, यह सत्संगी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की सत्संग का लाभ प्राप्त करने वाले सत्संगी गण, आज तक उनकी सत्संगों में जाने वाले व्यक्ति आपस में एक दूसरे का नाम कम जानते हैं, लेकिन एक बात विशेष रूप से बोलते हैं, ये पुराने सत्संगी है, ये पुराने सत्संगी है। ये ऐसा आपस में मैं
धोरा, मुरली मनोहर धोरा, जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराजते थे, सत्संग करते थे, वहाँ गया और वहाँ पर नौ दिवसीय भक्तमाल करुणा सागर कथा करने का लाभ प्राप्त हुआ। दो शब्द महापुरुषों के, दिव्य महापुरुषों के धाम में जाकर के पुष्प रूप में अर्पण करने का भाव बना। पूज्य श्री खेड़ापा महाराज श्री भी वहाँ पर, महाराज श्री का भी सानिध्य था, संत मंडली भी बहुत थी, भक्त भी सैकड़ों की संख्या में आते थे। लेकिन उन भक्तों का संबोधन क्या होता, ये सत्संगी है, ये गंगानगर से आए, ये सुजानगढ़ से आए, वहाँ से आए, ये लाडनू से आए, ये रतनगढ़ से आए, ये क्या है, ये सब सत्संगी है साहब। उनका आपस में परिचय सत्संगी से होता है। और कोई वृद्ध माता होती तो उसके बारे में, ये बहुत पुरानी सत्संगी है, कितना बढ़िया परिचय। गुवाहाटी में रहती है हमारी सरस्वती बाई, वो कितनी पुरानी सत्संगी है, हाँ? ऐसे लगता है जैसे माँ सबरी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए भगवान का इंतजार करती हो, ठीक उसी तरह से लगती है। ऐसे ही वो सत्संग को समझे हुए, सत्संग को प्राप्त किए हुए, और उनका संबोधन ऐसा हो कि पुराने सत्संगी है साहब, कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, कितना बढ़िया एक विशेषण साथ में जुड़ा है। अरे भाई, द्विवेदी जुड़ा है लेकिन दो वेद जानता नहीं है, त्रिवेदी जुड़ा है लेकिन तीनों वेदों का नाम भी जानकारी में नहीं है, चतुर्वेदी नाम है लेकिन चारों वेदों का नाम पता नहीं है। तो ये तो अपने वर्ण और अपने जो है कुल परंपरा के अनुसार उनका जो है नाम साथ में जुड़ा हुआ होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के आगे सत्संगी नाम जुड़ा हुआ है, वह संबोधन अति उत्तम है, वह विशेषण अति उत्तम है। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में सत्संग की, अत्यंत आवश्यकता है, संतों के संग की आवश्यकता है। कौन संत, किसे कहते हैं संत, जिनका स्वभाव प्रत्येक प्राणी के प्रति समचित्त वाला हो, जो सबके साथ में समदृष्टि रखते हो, जो सबके ऊपर सबके भीतर परमात्मा को देखते हो, जो स्वभावगत संत हो, वही वस्तुतः संत है। भेद को प्रणाम है, वस्त्रों को भी, जैसे कासाय वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, गुलाबी वस्त्र है, उन भेद को भी प्रणाम है, लेकिन सही मायने में भेद वही है, सही मायने में वस्त्र अथवा भगवा गैरवा वही है, जो जैसा बाहर वैसा भीतर, उसी करण उसी तरह से अंतःकरण को अपना बना ले हुए, वही वस्तुतः संत है। इसलिए धोती पहने हुए भी संत हो सकते हैं, साड़ी पहने हुए भी संत हो सकते हैं, अथवा संत किसी बाने का ही मात्र नाम है, नहीं, उनको भी कहते हैं संत। ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा विरोधाभास हो जाए, सीमित अर्थ नहीं है, संत एक सीमित वाक्य नहीं है, संत एक बहुत वृहद वाक्य है। संत में मतलब उसमें अनेकों प्रकार की गंभीरता गुण समाहित हो, जो सागर की तरह गंभीर हो, और जो समचित्त होकर के प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखता हो, उसको संत कहते हैं, उनको महापुरुष कहते हैं, उनको कल्याणकारी, इस युग के कल्याणकारी महापुरुष कहते हैं। इसलिए भाई, उन महापुरुषों की वाणी का आश्रय, उन महापुरुषों के शब्दों का आश्रय निश्चित ही इस जीव के लिए परम कल्याणकारी होते हैं, परम लाभकारी होते हैं। भाई, ऐसे संतों के दिव्य धामों के दर्शन यत्र तत्र जहाँ मिले, हम अभी जा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, रैण का स्मरण कर लेवे, जा नहीं सकते हैं तो नारायण का स्मरण कर लेवे, जा नहीं सकते हैं तो सिंतल धाम का स्मरण कर लेवे, जा नहीं सकते हैं तो खेड़ापा धाम का स्मरण कर लेते हैं, जा नहीं सकते हैं तो शाहपुरा धाम का स्मरण कर सकते हैं, अपने गुरुधाम जा नहीं सकते हैं तो वहाँ से बैठे बैठे गुरुधाम का स्मरण कर लेते हैं। अरे, जब स्नान करते थे हमारे पूर्वज तो गंगा गंगेति ऐसे गंगा जी का नाम स्मरण करके, गंगा जी का शब्द उच्चारण करके गंगा जल का अनुभव प्राप्त करते थे। अब वस्तुतः हमने सुना है कि आप साक्षात स्नान करते हुए गंगा जल का अनुभव चाहते हो, तो आपके नल से आए हुए पानी को सामान्य जल न मान करके, लोटे भरे हुए जल को आप गंगा नाम का उच्चारण करके, यमुना नाम का उच्चारण करके, हर हर नर्मदे मैया के नाम से उच्चारण करके भी अगर आप स्नान करेंगे, तो वह सामान्य जल न होकर के जिसका आपने, जिनका उच्चारण किया, जिनका भावपूर्वक स्मरण किया है, वह वही बन जाते हैं। तो क्या फिर अपन गुरुधाम का स्मरण करेंगे तो हम अपने आप को गुरुधाम में नहीं पाएंगे, क्या अपने आप को गुरु स्थान में नहीं पाएंगे?
अवश्य ही पाएंगे। कई लोग हमारे सुबह सुबह शरद जी मुंद्रा जो विशेष रूप से स्नेह से याद कर लेते हैं और बहुत उनको याद रहती है, 5:30 बजते ही फ़ोन पर तत्पर रहते हैं कि भाई कब ये जो है लाइव स्टार्ट हो, कब हम सत्संग की चर्चाएं श्रवण करें। और भी हरिभक्तगण हमारे डीसा से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, आप सभी हरिभक्त ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों से बहुत विशेष रूप से एक जुड़ाव रहता है कि भाई ये हमारे को नई बात क्या सुनने को मिलेगी, आज हमें नया क्या देखने को मिलेगा, आज हमें कौन सा इतिहास, कौन सी महापुरुषों की दिव्य दिव्याति दिव्य जो है चर्चाएं श्रवण करने के लिए मिलेगी। ये उत्सुकता क्या है, ये उत्सुकता आपकी खेड़ापा में ही लेकर के आ गई आपको। घरों में बैठे हैं बात अलग है, लेकिन घर में बैठे हुए भी ये 1 घंटे 2 घंटे का समय आपकी खेड़ापा धाम की उपस्थिति में लाता है, आपको ऐसे ही लाता है जैसे आप खेड़ापा में आ गए हैं। और यहाँ आने का जो मन का भाव, जो आनंद की अनुभूति, वह तो महाराज देव लोग स्वर्ग वैकुंठ आदि में भी जो लाभ नहीं, जो वहाँ जाने पर भी जो आनंद की अनुभूति शायद ना होती होगी, वह अनुभूति अपने गुरुधाम में जाकर के होती है। हमारे पास में स्थित भोला राम जी महाराज की देवरी, वहाँ के पूज्य श्री भोला राम जी महाराज जो सबसे पहले वहाँ पर उस पहाड़ी पर विराजमान होकर के जिन्होंने कठोर साधना करी, उनके पास में कोई भक्त जाते थे कि भाई महाराज हमें तो भगवान के धाम का दर्शन करना है, तो महाराज जी बोलते थे अगर आपको साक्षात वैकुंठ का दर्शन करना है तो खेड़ापा धाम का दर्शन कर लो, साक्षात वैकुंठपुरी का दर्शन है। खेड़ापो काशीपुरी वृंदावन को वास, माए विराजा दयाल जी सबकी पूरे आस, सबकी आशा पूर्ण करने वाले महापुरुष दिव्य अपने शब्दों के द्वारा। और यहाँ तो साक्षात दयाल जी महाराज तो निरंतर हर समय विद्यमान विराजमान है, उनसे हम छाने नहीं हैं, उनसे हम छिपे हुए नहीं हैं, कहीं पर भी हो हम भगवान से छुपे हुए नहीं हैं, अपने अंतःकरण से छुपे हुए नहीं हैं, अपने भीतर से अपन छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए हमें विवेक पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे फजीती ना हो, जिससे जो है फिर नीचा ना देखना पड़े, जिससे हमें जो है एक जीने का उत्तम मार्ग प्राप्त हो। ऐसे स्नेही सज्जनों का स्नेह आशीर्वाद, उनका प्रेम जो संकट मोचक के रूप में भी हमारे जीवन में यत्र तत्र हनुमान जी महाराज की भांति संकट मोचक के रूप में हमारे जीवन में यत्र तत्र हमें प्राप्त होते हैं, अवश्य ही उनके भीतर उन भगवान श्री राम प्रभु श्री राम की उस दिव्य परंपरा का, उस दिव्य रघुकुल का प्रभाव, रघुवंश का प्रभाव उनके भीतर होने के कारण ही वह किसी प्राणी को जो दुख में हो, जो कष्ट में हो, उसके सहायक बनते हैं और उसको ऐसी पीड़ाओं से दूर ले आते हैं, ऐसे कष्टों से दूर ले आते हैं कि वह व्यक्ति उन कष्टों से बहुत दूर जा कर के अपने उन्नति कर सके, विकास कर सके। इसलिए ऐसे प्राणियों को हम कोटिशः हृदय से वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं कि उनके भीतर निरंतर अपने धर्म के प्रति, धर्म को बचाए रखने के प्रति और राम नाम की, भगवान श्री राम की इस दिव्य संस्कृति को बचाने का भाव जिन रघुवंशियों के, राघव कुल के वंश के प्राणियों के, भक्तों के और मित्रों के हृदय में है, वह बहुत बहुत जो है स्मरणीय है और बहुत बहुत उत्तम उनका जीवन है। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे संतगण, उनको संत ही कह दें तो कोई कम बात नहीं है, साक्षात संत है, ऐसे दिव्य विभूतियों को, ऐसे दिव्य प्राणियों को निरंतर भगवत स्नेह प्राप्त होता रहे, बस यही सच्ची भावना है। आज आप हम सभी ने लगभग 50 मिनट के लगभग ये जो है सत्संग की चर्चा, नित्य प्रतिदिन ऐसी विलक्षण चर्चाएं, 2-3 सत्य घटनाएं बताते बताते कुछ और आपसी चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। आप निश्चित ही श्रवण करें, मनन करें और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज और मेरे परम पूज्य गुरु महाराज खेड़ापा महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी हरिभक्तों को सादर राम जी राम, राम जी राम।